हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिविटी का डोज। आज हम बनाएंगे क्रंची कुकीज़। वो खाकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो अब आपको लेना है 1 कप मैदा, 3/4 कप पीसा हुआ चीनी, इलायची पाउडर, कूटा हुआ पिस्ता, सूखा गुलाब का पत्ता, केसर, आधा कप से थोड़ा कम घी, बेकिंग पाउडर। ये हमारे मोल्ड्स। अब एक बर्तन में आपको मैदा डालना है, उसके बाद चीनी डाल दीजिए। चीनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, तभी प्रॉपर टेस्ट आएगा। अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। उसके बाद घी डाल दीजिएगा, घी कम मत डालिएगा नहीं तो ये सूखा हो जाएगा, बराबर घी चलेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि हर जगह घी, चीनी, इलायची पाउडर सबका फ्लेवर आ सके, नहीं तो एक ही जगह आएगा तो टेस्टी नहीं बनेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बेकिंग पाउडर डालना है। आटे को 20 मिनट तक रख दीजिएगा ताकि थोड़ा नरम हो जाए, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको मोल्ड्स में डाल दीजिए। मोल्ड्स में ज़्यादा मोटा मत करिएगा, थोड़ा पतला में, ताकि ये बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा और शेप भी अच्छा लेगा। अब उसके बाद इसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, पिस्ता से, इलायची पाउडर से, सूखा हुआ गुलाब का पत्ता, केसर, पर दबाते भी जाइएगा साथ साथ में। अगर आप इसको दबाएंगे नहीं तो ये सारा गिर जाएगा। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम सुंदर। आपको सारे ऐसे ही रेडी करने हैं। बस हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके मोल्ड्स के साइड्स में भी लगा हुआ है तो उसको क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद ओवन में रखिएगा। अब ओवन को प्री हीट कर लीजिए 250 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। सिर्फ नीचे वाली रॉड गर्म होनी चाहिए और एक एक करके सारे ऐसे रख दीजिए। फिर बंद कर दीजिए और 10 मिनट तक इनको होने दीजिए। हाँ, बीच में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले जो हैं कुकीज़ वो जल्दी हो जाते हैं, तो एक बार देखना होगा कहीं वो जल नहीं जाए, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट। अब इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप गीला कपड़ा के ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी ठंडे हो जाएंगे थोड़े टाइम में। और इसको जब आप निकालेंगे मोल्ड से तो हल्का सा मोल्ड को प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगा। और उसके बाद चक्कू की नोक से इनको निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए, निकल गए आराम से। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और हमें सारे ऐसे ही निकाल लेने हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना एकदम मस्त। और ये देखिए कितना क्रंचीनेस आया है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक पाउचेस में डालने के बाद, नहीं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। इससे थोड़े सुंदर लगते हैं जब हम गेस्ट को सर्व करते हैं, तो मैं इसमें डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर आप प्लास्टिक पाउचेस में डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको प्लास्टिक पाउच में डालना है, तभी ये अच्छे लगेंगे, नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे। और ये देखिए, एकदम रेडी हो गया हमारा। अब जल्दी से ट्राई करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।